हेलो दोस्तों, एवरी एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको तीन ग्रहण के बारे में बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। पहला सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण और तीसरा रहस्यमय ग्रहण। और ग्रहण से संबंधित कई अंधविश्वास भी बताएंगे जिन्हें संसार के कई देशों में माना जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूरज का। इन सबके चक्कर लगाते टाइम एक ऐसा समय आता है जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं और चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिन के समय तो सूरज की धूप पृथ्वी पर आ रही होती है, लेकिन अगर सूरज के सामने चांद आकर उस धूप को रोक दे तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब जब चांद एक महीने में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो हर महीने सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि चांद का जो ऑर्बिट है वो सर्कल में नहीं है बल्कि इलिप्टिकल है। इसका मतलब चांद कुछ समय पास होता है और बाकी टाइम दूर। वैसे भी सन, मून, अर्थ एक एंगल पर नहीं रहते। चांद का चक्कर पृथ्वी के समान 5 डिग्री टिल्टेड है, इसलिए इन सबके कारण हर महीने ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी की 70% सतह पर पानी है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रहण समुद्र पर पड़े। सूर्य ग्रहण के भी 3 टाइप होते हैं, पार्शियल, एनुलर और टोटल। पार्शियल में सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। चांद सूरज के एकदम सामने नहीं होता, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा सूरज के सामने होता है और हल्की सी परछाई पड़ती है पृथ्वी पे। इससे कोई अंधेरा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है कोई घना बादल सूरज के सामने आ गया हो। एनुलर में सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में तो होते हैं, लेकिन चांद पृथ्वी से दूर होता है तो कुछ हिस्सा सूरज का दिखता है, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि सूरज की बस आउटलाइन दिखती है चांद पर। जो पूरा परछाई वाला हिस्सा होता है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। फिर आता है टोटल एक्लिप्स, जो सबसे रेयर होता है। इधर सन, मून, अर्थ भी स्ट्रेट लाइन में होते हैं और चांद पृथ्वी के नजदीक होता है। इससे चांद सूरज को पूरा कवर कर लेता है और सिर्फ सूरज का आउटर ग्लो चांद के पीछे दिखता है, जिसको सोलर कोरोना कहते हैं। पूरा अंधेरा करने वाली परछाई भी पृथ्वी पर आती है और उस हिस्से में मानो रात ही हो जाती है। ये 2 से 5 मिनट तक अंधेरा रहता है। इस दौरान जहां पार्शियल एक्लिप्स चल रहा होता है वह 2 घंटे तक रह सकता है। सूर्य ग्रहण हमेशा प्रोटेक्टिव गियर के साथ ही देखना चाहिए, बिना उसके कभी नहीं। सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन तभी अगर पूरा अंधेरा हो जाए। और सिर्फ कुछ ही समय के लिए देखना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय चांद हटने पर एकदम से सूरज की किरण आंखों में लगने से परमानेंट आई डैमेज भी हो सकता है। एक फैक्ट आपको बताते हैं, वैसे तो चांद सूरज से काफी छोटा है, लेकिन सूरज चांद से 400 गुना दूर है और 400 गुना बड़ा भी है। इसलिए आसमान में हमेशा सूरज और चांद एक ही साइज के दिखते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कुछ अंधविश्वास जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जिन्हें कई संस्कृति में माना जाता है। लॉजिक सबका सिंपल है, रोशनी को पॉजिटिव माना जाता है और अंधेरे को नेगेटिव, और इस दौरान नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। सिंपल भाषा में बताएं तो अगर रोशनी के दिन में अचानक से अंधेरा आ जाए तो उसको शुभ नहीं माना जाता। स्टार्ट करते हैं भारत से। इधर ग्रहण के टाइम एक सूतक समय होता है, उससे पहले सब घर की गीली वस्तु में तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज का असर ना हो। ग्रहण के समय खाना खाना और खाना बनाना मना होता है, शौच नहीं कर सकते, कोई शार्प चीज यूज नहीं करनी, पका हुआ खाना फेंकना पड़ता है क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है, खिड़कियां बंद होनी चाहिए, गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना और पानी भी नहीं पीना क्योंकि वो बच्चे की सेहत खराब कर देगा। सबको आराम करना चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म में इसके पीछे कहानी है कि राहु ने अमृत पी लिया था और देवताओं ने क्रोधित होकर उसका सर काट दिया, जो उड़कर आसमान में गया और सूरज को निगल गया। इसलिए इसको राहु काल का समय कहते हैं, जो अशुभ होता है। एक अंधविश्वास साउथ इंडिया में फेमस है, अगर घर में कोई बच्चा विकलांग है या बीमार है तो ग्रहण के समय उसको बाहर मिट्टी में गाड़ देना चाहिए
और सिर्फ उसका सर बाहर रहना चाहिए। एक घंटे के लिए उसे बिना पानी के ऐसे रखना चाहिए जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब जानते हैं बाकी जगह क्या क्या माना जाता है। वियतनाम में माना जाता है कि सूर्य ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि एक विशाल मेंढक ने सूरज को खा लिया था। जर्मनी में भेड़िए ने खाया था, चाइना में ड्रैगन ने और अमेरिका में भालू ने। कोरिया में कहते हैं कि कल्पित कुत्ते सूरज को चुराने की कोशिश करते हैं। कुछ संस्कृतियों में घंटी और बर्तन बजाए जाते हैं, वही काम जो हमने कर्फ्यू के दिन में किया था, उससे ग्रहण जल्दी खत्म हो जाता है। ग्रीक्स में मानते थे कि ये क्रोधित देवताओं का सिग्नल होता है जो बताते हैं कि तबाही आने वाली है, लेकिन हर जगह तबाही और बुराई के अंधविश्वास नहीं है। इटली में माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय उगाए फूल ज्यादा सुंदर और कलरफुल उगते हैं। निष्कर्ष ये आता है कि कोई भी विज्ञान इनको नहीं मानता। आज तक कोई सबूत नहीं मिला कि ग्रहण की वजह से इंसान का बिहेवियर, हेल्थ, प्रकृति में फर्क आया हो। इस ग्रहण में सन, अर्थ, मून स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इसी ऑर्डर में। पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में होती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है और चांद उस पृथ्वी की परछाई के पीछे आ जाता है, और जो शेडो चांद पर दिखती है वो पृथ्वी की होती है। चांद पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आती क्योंकि पृथ्वी उसके सामने होती है, लेकिन रोशनी जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर चांद तक पहुंच जाती है। इससे चांद कई बार लाल दिखता है, जिसको ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में पार्टिकल्स लाइट को बिखेर देते हैं, जिससे रेड लाइट, जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, सिर्फ वो ही आगे तक जाती है और हमें चांद लाल दिखता है। इस ग्रहण की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है क्योंकि जैसे पहले बताया, चंद्र ग्रहण सिर्फ वो ही लोग देख सकते हैं जो पृथ्वी के अंधेरे में हैं, यानी जहां रात हो। बस चांद डिम दिखता है, जैसे ब्राइटनेस कम कर दी हो। इसके भी कई फेजेस होते हैं, आप इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। अब आते हैं आखिरी ग्रहण पर, जिसको हमने रहस्यमय ग्रहण का नाम दिया है। पहले हमने देखा सूर्य ग्रहण जिसमें चांद बीच में था, दूसरा देखा चंद्र ग्रहण जिसमें पृथ्वी बीच में थी, तीसरा आखिरी एक कॉम्बिनेशन बचता है, वो है जब सूरज बीच में होगा। वैसे तो सूरज चांद और पृथ्वी के बीच में फिट नहीं हो सकता, लेकिन ये तीसरा ग्रहण तभी संभव है जब चांद ही पृथ्वी से बहुत दूर हो जाए और मून, सन, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए। लेकिन इससे कोई ग्रहण नहीं बनेगा, लेकिन पृथ्वी का डेथ सर्टिफिकेट जरूर बन जाएगा। अगर चांद पृथ्वी से अलग हो जाए तो समुद्र का सारा पानी ऊपर सतह पर आ जाएगा, कोई लहर नहीं उठेगी, पृथ्वी अनस्टेबल हो जाएगी और तेज घूमने लगेगी। 24 घंटे की जगह सिर्फ 10-12 घंटे का दिन होगा और हर समय पृथ्वी पर साइक्लोन्स चल रहे होंगे। सिंपल भाषा में मानव जाति का अंत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने तीन ग्रहण देखे, सोलर एक्लिप्स जहाँ चांद बीच में था, लूनर एक्लिप्स जहाँ पृथ्वी बीच में थी, और एपोक्लिप्स जहाँ सूरज बीच में था, यानी पृथ्वी का नाश। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ग्रहण के बारे में? क्या आप कुछ अंधविश्वास मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।